फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारे देश भारत ने। भारत ने फ्रेंड्स G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कब से कब तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ है, तो फ्रेंड्स का जो आयोजन हुआ है 9 सितंबर से 10 सितंबर 2023 तक। डिटेल में हम पूरे G20 शिखर सम्मेलन को समझते हैं। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो क्या है, ठीक है? तो लोगो है इसका खिलता हुआ कमल। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो लोगो है खिलता हुआ कमल, इसका अनावरण किया था गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने। अगर हम बात करें एडिशन की, यानी कि संस्करण कौन सा है, 18वां संस्करण है 2023 में। थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। थीम है इसकी वासुदेवा कुटुंबकम। हिंदी में बोलेंगे एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। इंग्लिश में बोलेंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फिर तीनों लैंग्वेज में आपको याद रखना है। इस थीम को कहाँ से लिया गया है, तो इस थीम को महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 ग्रुप का 21वां सदस्य किसे घोषित किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो है फ्रेंड्स, ये G20 का अब नया सदस्य हो गया है और G20 ग्रुप जो है अब 21वां सदस्य के साथ G21 कहलाएगा आने वाले डेज में। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई थी ना अफ्रीकन यूनियन की, जो कि G20 का 21वां सदस्य बना है। तो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं अजाली असोमनी। और अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश है? 55 देश। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये 55 देश को रिप्रेजेंट करेगा अफ्रीकन यूनियन, ठीक है? 55 अफ्रीकी देश को रिप्रेजेंट करेगा अफ्रीकन यूनियन। punjabishadi.com हम सफर दी खोज कर रहे हैं दुनिया भर दे पंजाबियों दी। देश को रिप्रेजेंट करेगा अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। फ्रेंड्स ये आप फोटो देख रहे हो भारत मंडपम की, यहां पर G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है, भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नटराजन की। देखो फ्रेंड्स, ये है फोटो नटराजन जिसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है G20 शिखर सम्मेलन 2023 जहाँ पर हुआ है भारत मंडपम में, ठीक है? अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। नटराज की मूर्ति 19 टन की है, ठीक है? और ये अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं से मिलकर बनी है, ये बोल सकते हो 8 मेटल से मिलकर बनी हुई है। ये जो 8 धातु हैं वो है सोना चांदी सीसा तांबा टिन पारा लोहा और जस्ता। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1999 में। वर्ष 1999 में G20 समूह की स्थापना हुई थी। डिटेल में समझते हैं, G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में 7 देशों अमेरिका ब्रिटेन कैनेडा जर्मनी फ्रांस जापान और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। भारत जो है G20 का सदस्य कब बना? वर्ष 1999 में बना था। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राजील। याद रखना है आपको, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील। और 2023 में जो 18वां हुआ है इसकी अध्यक्षता करी है भारत ने। डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पहला G20 शिखर सम्मेलन है ये कब हुआ था? 2008 में हुआ था। कब कहाँ पर हुआ था? Washington DC अमेरिका में। ये आपने याद रखना है, पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 Washington DC अमेरिका में हुआ था।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट वाला। प्रेजेंट वाला कौन सा है? 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ है? भारत में। ठीक है, अब 18वें से पिछला कौन सा था? 17वां। तो वो कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया में 2022 में। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, देखो ध्यान से समझना है यहां पे। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है भारत में, तो 18वें का अगला कौन सा होगा? 19वां होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर होगा? ब्राज़ील में, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। और 19वें का अगला कौन सा है? 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर होगा? दक्षिण अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स यहां पे आपने एक चीज़ ध्यान दी कि जो G20 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, मतलब एवरी ईयर G20 समिट्स का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई मुख्यालय नहीं है। याद रखना है आपको G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। G20 के सदस्य में शामिल हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 देश, यूरोपियन संघ जिसे कि हम बोलेंगे EU, और प्लस अफ्रीकन संघ जो कि अभी 2023 में इसको शामिल किया गया है। मतलब कि G20 के सदस्य में पहले तो थे 19 देश और यूरोपियन संघ, लेकिन अब कौन हो गया है? अफ्रीकन संघ, इसलिए अब G20 हो गया है G21। घर से पैसे कमाना हुआ अब बिल्कुल आसान ग्लो रोड के साथ, या अफ्रीकन संघ, इसलिए अब G20 हो गया है G21। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि G20 में क्या क्या है, 19 देश हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ ये 19 देश को याद करने का, ठीक है। तो आपको ट्रिक याद रखना है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है, ठीक है। यहाँ पे जो सीता है ना फ्रेंड्स, वो किसी लड़की का नाम है, ठीक है। तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु, ठीक है। गुरु को मैंने लिखा है नीले अक्षर से, नीले रंग से लिखा है। तो देखो गुरु में जी बताएगा जर्मनी, यू बताएगा USA, आर बताएगा रशिया, यू बताएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये बात तो किसकी होगी? गुरु की। अब है जी, तो जी को मैंने लिखा है हरे रंग से, तो जी मतलब जे से जापान, आई से इंडिया। आई होप फ्रेंड्स आपको गुरु जी का मतलब पता लग गया, और गुरु जी से कौन से देश बाहर आए हैं वो भी आपको पता लग गया। अब अगला है हमारा सीता, ठीक है। सीता किसी लड़की का नाम है, तो सीता देखो मैंने लाल रंग से लिखा है, तो एस से सऊदी अरबिया, आई से इंडोनेशिया, टी से क्या होगा? तुर्की, ठीक है, और ए से क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है अब, अब को मैंने लिखा है काले रंग से, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, ठीक है। अब अगला है SSC को मैंने लिखा है ब्लू कलर से, यानी कि स्काई ब्लू कलर से, तो इसमें एस क्या है? साउथ अफ्रीका। दूसरा एस क्या है? साउथ कोरिया। सी है कैनेडा। अगला है FCI को मैंने लिखा है ब्राउन कलर से, एफ क्या है? फ्रांस। सी क्या है? चाइना। आई क्या है? इटली। नेक्स्ट है मी, MAE, तो एम क्या है? मैक्सिको। ए क्या है यहाँ पे? अफ्रीकन यूनियन जो कि हाल ही में ऐड हुआ है, और ई क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे? यूरोपियन यूनियन। आई होप फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होगा पूरे जितने भी देश हैं G20 को याद करने में। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे भारत के लिए ना बहुत ही गर्व की बात है। भारत ने ना जितने भी शक्तिशाली देश हैं पूरे विश्व को, उनको हमारे देश में ला के खड़ा करके जय हिंद करवा दिया, ठीक है। तो आपने भी कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखना है। ये है फ्रेंड्स आज इंडिया की पावर जो आप देख रहे हो, ठीक है। अब ये है फ्लैग आपके सामने, ठीक है। ये है अफ्रीकन यूनियन जो कि हाल ही में नया ऐड हुआ है G20 में, और ये है बाकी के देश, 19 देश, यूरोपियन संघ, ठीक है। तो अब नया कौन सा ऐड हो गया है? G21 में अफ्रीकन यूनियन ऐड हो गया है। अब देखो फ्रेंड्स एक शब्द आता है हमेशा, ट्रॉयका। ट्रॉयका क्या होता है? तो ये मैं आपको बताता हूँ, ट्रॉयका का मतलब G20 समूह की अध्यक्षता के क्रम से है। क्योंकि देखो फ्रेंड G20 का ना कोई भी मुख्यालय नहीं है, पर क्या होता है कि G20 की ना अध्यक्षता हर साल इसके जो मेंबर है ना वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ट्रॉयका का मतलब है G20 समूह की अध्यक्षता के क्रम से है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक चक्रीय अध्यक्षता के साथ आयोजित की जाती है। भारत से पहले G20 समूह की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी, ठीक है, 2022 में। यहाँ पे आप देख रहे हो 2022 में इंडोनेशिया ने करी। फिर नंबर किसका आया? भारत का नंबर आया 2023 में। भारत के बाद इसकी अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील, ठीक है।
यानी ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये है ट्रोइका, मतलब कि ट्रोइका में शामिल कौन कौन है, इंडोनेशिया मतलब जिसने पहले अध्यक्षता करी है, फिर इंडिया, फिर ब्राज़ील। नेक्स्ट ईयर क्या होगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा इंडिया, ठीक है, सेंटर में कौन आ जाएगा, ब्राज़ील, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, साउथ अफ्रीका। मतलब फिर नेक्स्ट टाइम ये तीन देश बनेंगे ट्रॉयका। आई होप फ्रेंड्स आपको ट्रॉयका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2023 में G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। फ्रेंड्स ये आप फोटो देख रहे हो अमिताभ कांत जी की, ये है जी 2023 में G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा। अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया है? देखो फ्रेंड्स भारत के, आप सभी को बताया कि बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, जिसमें कि पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ठीक है, श्रीलंका है। तो इसमें से भारत ने किस पड़ोसी देश को G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बांग्लादेश। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और बताता हूँ कि जो बांग्लादेश है ना, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 तक भारत कुल कितनी बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है? देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2023 में ना भारत का ये पहला, भारत में ना पहली बार ये G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, 1, यानी कि 2023 तक भारत में सिर्फ एक बार ही G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2023 तक भारत कुल कितनी बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया ऊपर, ठीक है। अब दो क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? चार ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में G20 ग्रुप का 21वां सदस्य किसे घोषित किया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट